नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि दोस्तों CRPF में जो भर्ती निकली है उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, जैसे कि आपकी हाइट क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी और जो भी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती में आपके लिए ज़रूरत होगी मैं आपको पूरी की पूरी इस वीडियो में दूंगा। तो इस समय हम हैं दोस्तों CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप इस भर्ती में कैसे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में जो जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं CRPF में यहाँ पर जो भर्ती निकली हुई है वो 1179 यानी कि 1179 1179 पोस्ट पर महिला और पुलिस दोनों के लिए यहाँ पर दोस्तों भर्ती है। सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 16 जुलाई 2020। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो लंबाई मांगी जाएगी 153 सेंटीमीटर मांगी जा रही है और आपके लिए अगर आप 12th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने हमारे YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको अभी पूरी डिटेल के लिए लेकर चलता हूँ आपके लिए CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं CRPF सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2020। तो यहाँ पर 1179 पोस्ट पर CRPF में जो है वो भर्ती निकली हुई है दोस्तों, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखेंगे तो है 1179। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोस्तों जूम कर लिया है जिससे आपको ये है पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट है 1179, पोस्ट नेम आपका होगा सब इंस्पेक्टर GD। ठीक है, तो यहाँ पर SI की वैकेंसीज हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर GD की 1179 पोस्ट हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और भी बना चुका हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है कि ये फेक वीडियो आप सोच रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो उस पर गलत कमेंट करते हैं कि फेक वीडियो है, क्योंकि उनको तो कहीं पर भर्ती होना है नहीं, वो दूसरों का भी मोरल डाउन करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CRPF की तरफ से, SSC की तरफ से, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में दिखाई है। तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जो अप्लाई मोड होगा वो आपका दोनों तरह से होगा, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप ऑल इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप मेल या फीमेल, मतलब महिला या पुरुष जो भी हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर जो है आपका वो ऑल ओवर इंडिया होगा, मतलब आप की जो पोस्टिंग होगी अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंडिया में किसी भी स्टेट्स में होगी, और आपका जो भर्ती होने के लिए एग्जाम होगा वो भी आपका पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, वैसे दोस्तों एग्जाम सेंटर के लिए चॉइस भी आती है फॉर्म फिलअप करते हुए, अगर आप चाहें तो अपनी चॉइस का एग्जाम सेंटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में CRPF की इसकी जो सैलरी होगी दोस्तों वो 35,100 रुपये से 1,12,400 रुपये पर मंथ तक होगी। तो बहुत अच्छी सैलरी भी है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल और OBC के लिए है दोस्तों आपकी 100 रुपये, और SC ST के SC ST फीमेल के लिए ये जो फीस है वो फ्री होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एज लिमिट की बात करें अगर तो 20 से 25 साल, तो अगर आप 20 से 25 साल के बीच में हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो 25 साल एज है वो 1 अक्टूबर 2020 के लिए माफी जाएगी, मतलब 1 अक्टूबर 2020 तक आपकी 20 से 25 साल के बीच में एज होनी अनिवार्य है। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको SC ST और OBC के लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो SC और ST के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर दोस्तों 3 साल का। ठीक है, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 25 से 30 साल तक, आप 20 से 30 साल के बीच में आप अगर हैं तो भी आप
इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 28 साल की उम्र तक इस भर्ती में अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों ईएसएम है, जो एक्स सर्विसमैन, ईएसएम बोलते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो अगर आप ईएसएम हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप 10 साल तक, मतलब आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आपकी एज है 35 साल तो भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइट की, कि आपको हाइट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों फॉर मेल कैंडिडेट्स, मेल के लिए यहाँ पर दोस्तों जो हाइट होगी, और ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिलेगी आपको 162 सेंटीमीटर। उसके बाद में नॉर्थ इंडियन जोन के लिए 162 सेंटीमीटर की हाइट की ज़रूरत होगी, और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 157 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट्स होंगे फीमेल, उनके लिए 154 सेंटीमीटर, और नॉर्थ इंडिया जोन के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर की हाइट की ज़रूरत होगी, ठीक है। चेस्ट दोस्तों ओनली फॉर मेल के लिए होगा। तो अगर आप जनरल ओबीसी या एससी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 80 से 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना ज़रूरी है, और आप अगर हैं एसटी कैंडिडेट्स तो आपके लिए 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी एज, मतलब चेस्ट जो है वो होना चाहिए। उसके बाद में रनिंग टेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए ये दोस्तों होगा आपका 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, मतलब आपके लिए जो 100 मीटर की रेस है वो 16 सेकेंड में पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका 1.6 किलोमीटर रेस होगी, जो कि आपको 6 मिनट 50 सेकेंड में, मतलब 6, 6.5 मिनट में आपको, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको क्लियर करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपकी लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप आपके लिए 3 मिनट, सॉरी लॉन्ग जंप आपकी होगी 3.65 मीटर की, जो कि आपको 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप आपकी होगी 1.2 मीटर की, जिसके लिए भी आपको क्वालिफाई करने के लिए 3 चांसेस मिलेंगे। उसके बाद में आपका होगा दोस्तों गोला फेंक शॉट पुट, जिसको आपके लिए 4.5 मीटर 3 चांस में फेंकना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं रनिंग टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रनिंग जो होगी उसके लिए 18 मिनट का टाइम मिलेगा, और 800 मीटर की इनकी जो होगी वो मेन रेस होगी, जिसमें इनके लिए 4 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग जंप होगी इनकी 2.7 मीटर, इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद में हाई जंप होगी, हाई जंप के लिए दोस्तों इनका 0.9 मीटर की होगी, और इनके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी वो होगी 12th पास प्लस ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। तो आपके पास में दोस्तों जो है वो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है आपकी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एसआई की वैकेंसीज हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी, उसके बाद में पीईटी होगा आपका, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद में होगा आपका मेडिकल टेस्ट। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों में क्वालिफाई कर जाते हैं, फिजिकल, मेडिकल और आपका जो रिटन एग्जाम होगा, तो आपके लिए इस भर्ती के लिए जो है आप इसमें सीआरपीएफ में एसआई के तौर पे भर्ती हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।